ये पौधा मेरा 10 साल पुराना है और 10 साल से ये चली आ रही है मेरे गमले में ही। और देख सकते हो इसकी जो डाल है कितनी मोटी है। तो हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, जैसे जैसे सीजन जाता है वैसे वैसे हमारे पौधे भी थोड़े से कम फ्लावरिंग करते हैं और कम होने लगते हैं। जब इनका सीजन होता तो इसमें फूल बहुत सारे होते हैं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे जो विंटर प्लांट थे वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो समर वाले प्लांट आ रहे हैं उन समर प्लांट की हम कैसे केयर करें। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये समर वाले प्लांट हैं और जो बिल्कुल सूख चुके हैं। अगर इस तरीके से आपका पौधा सूख चुका हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये अब लगेगा या नहीं लगेगा या पूरा सूख चुका है। देख सकते हैं कि पूरा इसमें केवल डाली ही बची हुई है। फ्रेंड, ये था मेरा कड़ी पत्ता, ये देखिए। लेकिन हम बताएंगे कि आपको कैसे पहचान सकते हैं कि ये ब्रांच आपकी सूख चुकी है या पौधा हरा भरा हो सकता है। कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, आपको क्या करना होगा हम इसमें बताएंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये पौधा मेरा सूखा नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड, ये मधुमालती भी है, ये देख सकते हैं रहते हैं। तो आप चेक कैसे करेंगे कि ये हमारे पौधे सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, ये इसमें न्यू ब्रांच निकलेगी कि नहीं। इसकी गार्डनिंग करते करते तो इतना समझ में आ जाता है कि कौन से पौधे को क्या ज़रूरत है और कौन पौधा मेरा सूख रहा है और कौन सा नहीं सूख रहा है। सर्दियों में हमारे कुछ पौधे ज़रूर ख़राब होते हैं, लेकिन उनको पहचान करके ही आप उन पौधों को उखाड़ के फेंकिएगा। तो कैसे चेक करना है, जैसे ये ब्रांच आप देख रहे हैं, इनकी ये पतली ब्रांच भी देख रहे हैं और मोटी वाली भी देख रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नाखून से अपने, जैसे ये हाथ है, हाथ के नाखून से आपको इस तरीके से चेक करना है। ये देखिए फ्रेंड, अगर आपकी ब्रांच हरी है, इसके नीचे अगर हरा दिख रहा है तो समझ लीजिए आपकी ब्रांच ये सूखी नहीं है। इसमें न्यू फुटाव आ जाएंगे और नए पत्ते आप आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर पौधे सूख रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। अगर आपके पौधे जो ये इसकी जो ब्रांच है, जो इसकी डंडियां हैं, स्टेम है, जो अगर ये हरी है तो इसको उखाड़ के नहीं फेंकिएगा, ये समझ लीजिएगा ये सूखा नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, सभी ब्रांच को हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये भी देख सकते हैं। ये भी फ्रेंड बिल्कुल हरा है। तो ये कढ़ी का तो पता चल गया कि कढ़ी के पत्ते का मतलब कढ़ी का पौधा बिल्कुल भी सूखा नहीं है और इसमें न्यू ब्रांच निकल आएगी। अभी गर्मी में थोड़ा सा मुझे केयर करना होगा और क्या मैं इसमें करूँगी जिससे इसमें न्यू ब्रांच आ जाए। ये हर बार का फ्रेंड है, सर्दियों में पौधे ख़राब होते हैं। इसी तरह से फ्रेंड, ये मधुमालती का है, मधुमालती का भी आप चेक करेंगे। जैसे ये जो डंडियाँ हैं इसकी, ये देखिए, इनको भी इस तरीके से खरोचेंगे। ये देखिए, अगर खरोच कर इस तरीके से देखेंगे, अगर इसमें हरा है तो ये आपका पौधा सूखा नहीं है और इसमें न्यू ब्रांच आएगी और ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और ढेरों फूल आपको देगा। तो आप अपने पौधे को अगर इस तरीके से सूखा दे, देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल सूखा हुआ दिखेगा आपको, कोई भी ब्रांच इसमें हरी नहीं दिखेगी। ये देखिए, पत्तियाँ भी पूरी सूख चुकी हैं। अगर इस तरह से आपका कोई पौधा हो जाता है जो इनकी डाले सूखी दिखी, इनकी पत्तियाँ सूखी दिखी या एक भी हरा पत्ती ना दिखे, तो आप पहले पौधे को चेक करिएगा। अगर इसमें हरा है तो उसको आप केवल कटिंग कर दीजिएगा, आपका पौधा बिल्कुल नया ग्रोथ करेगा और न्यू फुटाव इसमें आ जाएंगे और ढेर सारे ब्रांच भी इसमें आ जाएंगे। इसको उखाड़ के किसी बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा आप, बस इसको थोड़ा सा गुड़ाई करके खाद की ज़रूरत पड़ेगी वो आप दीजिएगा। इस समय बहुत सारे पौधे को आप केयर करेंगे तो ढेरों फूल आपको फिर से गर्मी में मिल जाएंगे। तो पहले तो फ्रेंड मुझे इसको कटिंग कर देनी है। कटिंग करके मैं कौन सा खाद डालूँगी, क्या डालूँगी जिससे पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। फ्रेंड, इस तरीके से अगर पौधे होते हैं तो बहुत जड़ से नहीं काटिएगा, थोड़ा ऊपर से आप कटिंग करिएगा, जैसे ये देखिए मैं कर रही हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, इसके हरे दिख रहे हैं ब्रांच। ऊपर तक देख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी इसमें पत्ती नहीं है, पूरा एकदम डंडी है इसमें, केवल इसकी डंडियां बची हुई हैं। शाम का समय है फ्रेंड, ये देखिए बिल्कुल एक भी पत्ती नहीं है, केवल डंडी ही डंडी है इसमें। तो इसको मैं फटाफट पहले कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इनकी मैंने सारी कटिंग कर दी, ये देख सकते हैं। अब मैं इस मधुमालती की भी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैंने पौधे की कटिंग कर दी, ये मधुमालती के भी, ये देखिए। और इसका भी गुड़ाई करने के लिए फ्रेंड मैंने ये लिया है, ये देख सकते हैं, गुड़ाई इसी से करूँगी। आप ऊपर की मिट्टी इसमें हटा भी सकते हैं कुछ, अगर आप पास मिट्टी है पर्याप्त तो आप थोड़ी मिट्टी इसमें से हटा भी सकते हैं। मिट्टी को मैं थोड़ा हटाऊंगी अभी, क्योंकि साल भर में एक बार मिट्टी अगर बदल देते तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मिट्टी हमारी गीली है फ्रेंड, देख सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी गोबर की खाद। फ्रेंड ये है गोबर की खाद, ये देख सकते हैं, ये जो मैं डालूंगी गमले में, जिसे पौधे में जल्दी से जल्दी फुटाव आ सके और न्यू ब्रांच निकल सके। तो इस तरीके से पौधे को आपको कटाई करके गोबर की खाद डाल दीजिए। अब जैसे इसमें न्यू ब्रांच आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमेशा आपको इसी तरीके से इसको थोड़ा सा छील करके इसकी जो स्किन है इसको हटा करके आप पौधे को चेक कर सकते हैं हमेशा, कि सूखा है या पौधा नहीं सूखा है। इसी तरीके से फ्रेंड इस मधुमालती का भी मैं यही काम करूंगी।